अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। इसे हम कुकर में बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है। अब इसके अंदर दो से तीन टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। इसको गरम कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम एक बड़े साइज़ का प्याज, बारीक चॉप किया हुआ, और इसको डीप फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि जल्दी हो जाए। देखिए ब्राउन हो गया है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है। प्याज हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स लिया है 250 ग्राम गोभी, 250 ग्राम आलू और 200 ग्राम बीन्स लिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि सब्जियों की जो स्मेल होती है वो अच्छे से निकल जाए। इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे कुकर चढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इसमें 2 तेज़पत्ता ऐड करूँगी और कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, 4 लौंग, 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। अब यहाँ पे मैंने 1 बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। इसको हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। अब इधर हमारी सब्जियां फ्राई हो गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसी में इसको छोड़ देंगे जब तक। यहाँ प्याज भी सॉटे हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा सॉटे करना है। अब इसमें 4 हरी मिर्च बीच से कटी हुई डालेंगे। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही 150 ग्राम। अब इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पहले ऐड कर देंगे हम 250 ग्राम मटर। अब इसको 1 मिनट लिए भून लेंगे हम। देखिए 1 मिनट हो गया इसे भूनते हुए। अब इसमें हम बाकी सब्जियाँ ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई कर ली थी। अब इन सब्जियों को अच्छे से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। दो से तीन मिनट हो गया है, अब इसे हम खोल के चला लेंगे। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। 1 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल यूज़ किया है। अब इसे सब्जी के ऊपर से हम ऐड करेंगे
और इसको स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते। देखिए थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए मैंने, इसको ऊपर से हम इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता, इसको हल्का हल्का चॉप किया है, बारीक नहीं किया है। और इसमें अब डालेंगे जो हमने फ्राई किया था प्याज, ऊपर से हम वो डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप डालें। अब यहाँ मैंने एक गिलास पानी लिया है, अब इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, ये अपने स्वाद अनुसार भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने उस टाइम सब्जी में डाला था 1 टेबल स्पून और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब इसको इसके ऊपर से हम ऐसे पानी डाल देंगे, यहाँ मैंने 3 ग्लास पानी यूज़ किया है क्योंकि मेरे चावल थोड़े मोटे थे, जो बिरयानी में बनाते हैं हम वो वाले चावल थे। अगर आप बासमती यूज़ करें तो 2 ग्लास पानी ऐड करें। यहाँ मैंने सिर्फ 1 ग्लास में नमक घोला था, 2 ग्लास ऐसे ही डाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कप में पानी ले लिया है और 1 चुटकी फूड कलर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसकी जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। इस कलर को हम ऊपर से हम बिरयानी में डालेंगे और इसको 1 सीटी आने तक हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे, उसे 3-4 मिनट तक हमें ऐसे ही कुक करना है। उसके बाद हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, उसकी सीटी भी निकल गई है। अब से हम चेक करेंगे, ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे देखिए अलग से करके, अभी थोड़ा सा ये हार्ड चावल दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है ये। अच्छे से कुक हो गया है चावल, देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया हल्के हल्के हाथों से। अब इसे हम सर्व करेंगे, गरम गरम सर्व करें, वैसे भी सर्दी का मौसम है। अगर आप लोग भी मेज़रमेंट से पानी डालेंगे कुकर में तो इसी तरह से खिले खिले चावल तैयार होंगे। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।